नमस्कार, मैं टीम से हाजिर हूँ आज आपके सामने 1 अगस्त 2019 को कई माध्यम से सर्वप्रथम चैनलों के माध्यम से हम आपसे कहना चाहते हैं, मुझे जागते रहना है क्योंकि अपने सपनों को पाना है, अपनी काबिलियत का करिश्मा इस जग को दिखाना है। कामयाबी तो हासिल कर ली, कल ही लूंगा एक दिन, मुझे तो अपनी उंगलियों पर किस्मत को नचाना है। साथियों, इसी के साथ सीतापुर टीम जैसा कि जानी जाती है अपने काम के लिए, पहचानी जाती है अपनी पारदर्शिता और सत्यता के लिए, उसी के आधार पर मैं सीतापुर टीम से आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि सीतापुर टीम के द्वारा बताया गया था, सीतापुर टीम का एक लक्ष्य है, बिना लक्ष्य के कोई काम नहीं किया जाता, और वो लक्ष्य है 5 सितंबर 2019 को आपको नियुक्त पत्र दिलवाना। साथियों, कई विरोधियों के मन में ये चीज गूंज रही थी और कुछ हमारे ही साथी हैं जिनके मन में ये टीस की तरह खटक रही थी कि जो ये कहते हैं वो ये करते हैं, आखिर ये क्या करने वाले हैं। सीतापुर टीम पूरी सभी रणनीति के साथ अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए तत्पर है। उसी के सापेक्ष सीतापुर टीम ने एक सभी रणनीति के तहत काम करने की योजना बनाई है, उसी पर चल रही है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने पथ पे अग्रसर है। और इतने टाइम सीतापुर टीम अपने मोस्ट सीनियर एडवोकेट लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, 2 बार HGS परिहार जी के चैंबर में है और उनसे ब्रीफिंग का काम पूरा होने ही वाला है। थोड़ी चीजें बची हुई हैं, वो अभी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सीतापुर टीम ने जैसी प्रदेश से सभी टेट पास शिक्षा मित्रों से अपील करी थी सहयोग की, वैसी अपील नहीं हो पाई है। और इतने टाइम आपने देखा होगा 8 बज चुके हैं, अब आप खुद बताइए कि आप उम्मीदें तो बहुत लगाते हो, उस पे खरा नहीं उतरते हो, इसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर भी जाता है। साथियों, सीतापुर टीम ने जो लक्ष्य बना के चला था, उस लक्ष्य को कुछ अपने ही लोग कहीं ना कहीं नीचे से कुतरने का काम कर रहे हैं और किसी दूसरे के अपने प्यादों के कंधों पे बंदूक रखते हुए निशाना साध रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कल एक बीएड को लेके बाहर करने के लिए एक 25वें संशोधन को दाखिल किया गया है रिट के माध्यम से, और उसकी सुनवाई कल लगी हुई है फ्रेश केस में, आपने देखा होगा, और उसको वही लोग सीधे टैग कराएंगे अपनी ही रिट में अपने मंसूबों के साथ, और फिर डेट डेट खेलने का काम करेंगे। हम अपनी रणनीति के साथ उतरेंगे। बाकी हमने आपसे कहा था कि जो सीतापुर टीम करेगी और जो कहेगी वो अपने हिसाब से चल रही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सभी टेट पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाना। इसी के साथ मैंने आपसे कई चीजें पहले भी कही थी, सीतापुर टीम जो भी आज तक कहती है वो करके दिखाती है, और हमारी एक ही चीज थी लोगों से अपील, और वो अपील अभी तक की सहयोग नहीं पूरा हुआ है। पैसा कितना आया है आपके समक्ष हम लोग पूरी डिटेल देते हैं, दे देंगे। फिलहाल अभी तक 1,60,000 रुपया है, उसमें से कम 30 से 35 याची भी हमारे हैं जिन्होंने प्रति याची के हिसाब से 2,000 का सहयोग किया है। अब आप समझ लीजिए कि जो हमने आपसे आशा रखी थी आपने उस पर कितना विश्वास दिखाया। थोड़ी सी बात और बता रहा हूँ, समंदर है, समंदर कभी भरे नहीं जाते, क्योंकि उसमें जितना आप डालोगे उतना ही कम है, और कभी वो ये नहीं कहेंगे कि आज मेरा पेट भर गया है। कुछ लोगों के पास पहले से हीरिंग का अमाउंट है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं पहुंचा है, जबकि उनकी सत्यता आप जानते हो, खुद जानते हो, हम कहे तो क्या कहे, लोग जानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के। लेकिन बस यही है कि आपके ऊपर जो आंखों पे काली पट्टी बंधी है, देखिए वो कब उतरे। साथियों, कुछ लोगों के द्वारा कहा गया था सर्वप्रथम सिंगल बेंच में कि हम इंटरवीनर के रूप में घोषित कराएंगे बीएड और बीटीसी को, उसके बाद उन्हीं को लेके एलपी मिश्रा को हायर कराया गया जानबूझ के एक रणनीति के तहत, ताकि बेंच वही रहे और उसी में केस टैग हो और वो ऐसे इंटरवीनर भी ना रह जाए और साथ में आ जाए, क्योंकि वो उनके प्यादे थे। उसके बाद दूसरी चीज कराई गई, रिट डलवाई जाती है अपने ही वकील के द्वारा, आप देख लीजिए कार्ड लिस्ट जारी हुई है, उसमें नाम शो कर रहा है। ये सब भर्ती को फंसाने के लिए किया जा रहा है, और बाकी अभी आगे और उनकी प्लानिंग है भर्ती को फंसाने के लिए, और वो नहीं चाहते कि वो अध्यापक बने, क्योंकि उनको बनना ही नहीं है। अगर बनना होता तो राजनीति नहीं करते, अगर राजनीति नहीं करते तो ये डेट डेट का खेल नहीं खेलते। साथियों, कई चीजें आपके बारे में बता दी गई,
और आपको बताया भी गया मेरे माध्यम से, लेकिन वही बात है, जब जागो तब सवेरा। और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप अब तो जाग जाइए, क्योंकि अब इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। साथियों, समय कम है और हम चंद लाइनों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। देखते हैं जिंदगी हमें कब तक भटकाएगी, किसी दिन तो कोशिशें हमारी रंग लाएगी। उस रोज हम आराम से बैठेंगे अपने कमरे में और कामयाबी बाहर खड़ी दरवाजा खटखटाएगी। इसी के साथ मैं सीतापुर टीम से आशीष सिंह और हमारे सहयोगी साथी गुड्डू सिंह, अनु त्रिपाठी, प्रवीण शुक्ला, आलोक सिंह, दुर्गेश सिंह, जय हिंद।